नमस्कार दर्शकों, साहू टेक्नो गाइड में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो में मैं आपको कुछ गाइड किया हूँ ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर। जैसे आज के टाइम में मैक्सिमम लोग ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग आप जैसे करते हैं तो आपको क्या कौन कौन सा चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो ये वीडियो में मैं डिटेल्स में आपको बताया हूँ। तो चलिए देखते हैं। आप जैसे हमारा कोई भी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन आता है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मैं 8 पॉइंट बनाया हूँ। पहला पॉइंट है हमारा रिसर्च ऑन प्रोडक्ट, सेकंड है प्राइस कंपैरिजन ऑन प्रोडक्ट, थर्ड है अप्लाई कूपन एंड डिस्काउंट इफ यू हैव, फोर्थ है शिपिंग द प्रोडक्ट टू योर होम या ऑफिस एज कम्फर्टेबल टू यू, फिफ्थ पॉइंट है पेमेंट और कैश ऑन डिलीवरी एज कम्फर्टेबल टू यू, सिक्स है डिलीवरी द प्रोडक्ट, सेवेंथ है रिटर्न और एक्सचेंज द प्रोडक्ट एंड एट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो पहले हम रिसर्च ऑन प्रोडक्ट में जाते हैं। तो प्रोडक्ट के ऊपर आपको पहले रिसर्च करना है। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं iPhone 5s। जैसे अभी iPhone 5s आपको अगर परचेस करना है तो पहले आप इसको सर्च करेंगे iPhone 5s ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में आपको बहुत सारे साइट में उसका मेरिट या डिमेरिट वगैरह आपको पता चल जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है तो आपको बहुत सारी वेबसाइट में हुआ, ब्लॉग में हुआ, तो उसमें आपको उसका बहुत सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। और इसमें क्या करेंगे आप, उसके बाद यहाँ पे आप बहुत सारे ब्लॉग में जाके उसको पढ़ सकते हैं या ऑनलाइन साइट वगैरह, जैसे यहाँ पे सब दिखा रहा है, ये साइट में भी जाके उसका जो भी कॉमेंट्स वगैरह है यूजर का वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ आपको मेरिट मिलेगा, डिमेरिट भी मिलेगा, या कोई 5 स्टार रेटिंग दिया होगा या कोई 1 स्टार दिया होगा। तो आप को पहले पढ़ना है, आपको देखना है कि प्रोडक्ट कैसा है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं ये प्रोडक्ट आपको लेना है या नहीं लेना। ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज हुआ। जैसे आपको कुछ कपड़ा लेना है, जूता लेना है या कोई भी सामान लेना है, तो उसका आपको इंटरनेट में बहुत कम मिलेगा उसके बारे में। जैसे आपको कोई ड्रेस लेना है तो ड्रेस तो ऐसे ही बहुत वेरियस टाइप का आता है, तो आपको साइट में जाना है, जैसे हमारा अमेजोन हुआ, ईबे हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ या स्नैपडील हुआ, वो साइट वगैरह में आपको कमेंट मिल जाएगा। फिलहाल तो ईबे वगैरह में तो कमेंट आपको मिलेगा नहीं, बाकी 3 साइट वगैरह में आपको यूजर का कमेंट मिलेगा। तो कमेंट से आप पढ़ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, ये कपड़ा का क्वालिटी कैसा है, ये सब आप जान पाएंगे। तो पहले आपको प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करना है। तो ये प्रोडक्ट कैसा है, क्या है, डिटेल्स में रिसर्च करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जा पाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्राइस कंपैरिजन। जैसे मैं आपको बताया, आप ये प्रोडक्ट iPhone 5s यहाँ पे सर्च में मार दिए तो यहाँ पे गूगल ने आपको प्राइस दिखा दिया, कौन सा साइट में कितना प्राइस है। जैसे अमेजोन इंडिया में अभी 17,999 है और फ्लिपकार्ट में 18,999 है, ईबे में 14,499 है। इस तरह आपको बहुत सारे साइट में प्राइस मिलेगा, या आपको इंटरनेट में बहुत सारे साइट भी ऐसे मिलेंगे जो कि प्राइस कंपैरिजन करते हैं। जैसे यहाँ पे आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं प्राइस कंपैरिजन, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे साइट वो दिखा देगा कि वहाँ पे प्राइस कौन सा साइट में कितना है, कौन सा प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे आप प्राइस उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो प्राइस कंपैरिजन करने से पहले आपको ये देखना है कि आपका कौन सा साइट से ले रहे हैं, वो प्रोडक्ट कैसा है। जैसे हमारा ट्रस्टेड साइट कुछ रहते हैं, अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, स्नैपडील हुआ, इसमें आपको जेन्युइन चीज मिल जाएगा। और जैसे कुछ नया साइट है तो वो सब साइट में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस कम लिखा होगा, अगर आपको कुछ अलग सा प्रोडक्ट मिल गया या कुछ प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ है तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए हमेशा ऑनलाइन में ट्रस्टेड साइट से ही कुछ परचेस कीजिए। अगर आप जैसे यहाँ पे हम लोग सर्च किए थे iPhone 5s, जैसे यहाँ पे सब 18-17 हज़ार, अमेजोन में 17-18 हज़ार के आसपास है, यहाँ पे 19 हज़ार दिखा रहा है, तो आप ये दोनों से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्राइस बहुत ही कम है तो यहाँ पे आपको डीपली देखना पड़ेगा कि क्यों इसमें प्राइस कम है। तो आपको ये देखना है कि ये रिफर्बिश आइटम है या यूज आइटम है, तो ये भी आपको चेक करना जरूरी है। तो यहाँ से आप प्राइस कंपेयर करके जो अच्छा साइड होगा और प्राइस कम रहेगा तो वहां से आप परचेस कीजिए। और थर्ड पॉइंट है हमारा अप्लाई कूपन्स और डिस्काउंट यू हैव। जैसे कि बहुत सारे साइट वगैरह में आपको डिस्काउंट मिल जाता है, जैसे पेटीएम वगैरह में आप कुछ खरीदते हैं तो डिस्काउंट वगैरह मिलता है, तो या आपके पास कुछ कूपन्स वगैरह है तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो डिस्काउंट को आप वो साइड में रिडीम कीजिए। या जैसे आप बैंक वगैरह से आपको कुछ डिस्काउंट है, क्रेडिट कार्ड से 10% डिस्काउंट है या नेट बैंकिंग से
कुछ डिस्काउंट है, तो वहाँ पे आप उसको रिडीम कर लीजिए, तो आपका जो फाइनल प्राइस रहेगा वो आपका मेन प्राइस से कम हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है शिपिंग प्रोडक्ट टू योर होम या ऑफिस। जैसे कि अभी कुछ प्रोडक्ट हम ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट कैसा है, अभी आप ऑफिस से आते हैं तो प्रोडक्ट अगर आपका घर में डिलीवरी होता है, तो आप घर में नहीं है तो प्रोडक्ट में भी रिटर्न हो जाएगा। इसीलिए आप प्रोडक्ट का जो भी डिलीवरी डेट दिए हैं वो लोग, तो वो डेट में रखिए। अगर आप ऑफिस में रहते हैं या घर में रहते हैं, या घर में अगर कोई आप नहीं है, घर में भी कोई है तो घर का दे सकते हैं, या ऑफिस का जो आपको कंफर्टेबल रहेगा वो आप दे सकते हैं। उसके बाद पेमेंट और कैश ऑन डिलीवरी, ये मेन पॉइंट है। जैसे कि कोई नया नया अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उनको डर लगता है कि अगर मैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करूं, या मेरा कार्ड वगैरह हैक हो सकता है, या मेरा अकाउंट वगैरह हैक हो सकता है। मगर ये जो ट्रस्टेड साइट कुछ है उसमें ये सब होने का टोटल चांसेस नहीं है, और आपका अगर पैसा भी बढ़ जाता है तो रिटर्न हो जाएगा आपका अकाउंट में, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता ट्रस्टेड साइट वगैरह में। अगर आपको डर लगता है तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, मगर कुछ कुछ साइट में क्या रहता है, कैश ऑन डिलीवरी वगैरह में आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगा देते हैं वो लोग। जैसे कैश ऑन डिलीवरी के लिए 50 रुपीज एक्स्ट्रा है, अगर आप 50 रुपीज भी कर सकते हैं तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी करेंगे, या अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह से शॉपिंग करते हैं तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। और ज्यादातर कार्ड वगैरह में ऑफर भी आता है, तो आप अगर कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको डिस्काउंट वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कैश ऑन डिलीवरी वगैरह में करते हैं तो आपका कार्ड का जो डिस्काउंट वगैरह है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट में हम जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है डिलीवरी द प्रोडक्ट। अभी कुछ सामान अगर आप ऑर्डर किए हैं तो वो सामान अगर आप कोई भी, जैसे दिल्ली से कोई सामान आता है मुंबई में, तो दिल्ली से जब वो रिटेलर आपको सामान भेजता है तो आपको प्रॉपर ट्रैकिंग आ जाता है। जैसे कोई भी सामान आया तो आपको मैसेज आ जाता है कि रिटेलर ने ये सामान शिप कर दिया है, तो अभी ये सामान यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो आपको प्रॉपर ट्रैकिंग मिलता है कि सामान जो भी रिटेलर से आपका घर तक आने तक आपको ट्रैकिंग मिलता है, तो वो इजी हो जाता है। प्रोडक्ट कल आने वाला है या मेरा सिटी में पहुंच गया है, तो इसमें प्रॉपर आपको ट्रैकिंग मिल जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न और एक्सचेंज द प्रोडक्ट। जैसे कोई प्रोडक्ट वगैरह में आप देख सकते हैं, जब आप प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है, तो ये साइट वगैरह का रहता है कि 10 डेज रिप्लेसमेंट, कौन सा प्रोडक्ट में कितना दिन का रिप्लेसमेंट वारंटी रहता है। तो आप उस दिन के अंदर आप अगर वो सामान आपको ठीक नहीं लगा या डिफेक्टिव आया, तो आप उस दिन के अंदर आप उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे जनरली टेलीफोन वगैरह में 10 डेज रहता है, या कपड़ा वगैरह लेते हैं या दूसरा कुछ सामान लेते हैं तो 30 डेज का रहता है। तो उसके अंदर अगर आपको ये सामान ठीक नहीं लगा तो आप रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न करते हैं तो आपको आइदर वो कैश आपका लौटा देते हैं पैसा, या अगर आप रिटर्न करते हो तो आपको अकाउंट में पैसा आ जाता है, या अगर आप चाहो तो उसको एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे कोई कपड़ा वगैरह है तो साइज आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, रिटर्न कर देते हैं तो पैसा आपका अकाउंट में रिटर्न हो जाता है। तो ये चीज आपको मिलता है 10 दिन 30 दिन, जैसे हम लोग अभी दुकान वगैरह में खरीदते हैं ये फोन, जैसे अभी दुकान में खरीदते हैं, दूसरा दिन कुछ हो गया तो दुकान वाले बोलते हैं कि आप सर्विस सेंटर जाओ, मगर ये लोग ऑनलाइन में आपको 30 डेज या 10 डेज का आपको रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं। उसके बीच में अगर कुछ हुआ तो लोग चेंज करके आपको दूसरा दे सकते हैं, या आपका पैसा रिटर्न कर सकते हैं। और लास्ट में ये देखेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग में हमको क्या एडवांटेज है और हमारा क्या डिसएडवांटेज है। तो पहले हम एडवांटेज में जाते हैं। तो एडवांटेज ये है कि अगर ऑनलाइन शॉपिंग से आप सामान लेते हो तो आप सामान का रिव्यू वगैरह डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। इसका मेन एडवांटेज ये है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो लोकल मार्केट से आपको कम रेट में सामान मिल जाएगा। और सेकेंड चीज ये है कि अगर आपका सामान कुछ जैसे रिप्लेसमेंट वारंटी का टाइम जो देता है ऑनलाइन शॉपिंग, तो उसके अंदर आप उसको चेंज कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं। जैसे आप लोकल शॉप वगैरह में वार्स ले लिए तो आपको वो सर्विस सेंटर वगैरह भेज देंगे, तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते। हर चीज ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में आपको बहुत सारे सेल में बहुत कम रेट में सामान मिल जाता है, या आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह में भी डिस्काउंट आता है कि ये साइड में 10% अभी डिस्काउंट है, दूसरे साइड में कुछ 15% डिस्काउंट है, तो ये सब फायदा आप ले सकते हैं। अगर इसका डिसएडवांटेज में हम जाएं तो डिसएडवांटेज इसका ये है कि हम लोग जैसे दुकान में कोई भी सामान लेते हैं तो फिजिकली उसको फिल करते हैं या देखते हैं वो लेते हैं, मगर यहाँ पे आपको जो भी देखना है सब फोटो में ही देखेंगे और सामान आने के बाद ही उसको फिजिकल आप देख पाएंगे। और सेकंड चीज ये है कि जो लोग कोई सामान ऑर्डर करते हैं और उनको जल्दी में चाहिए, तो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में क्या है, जैसे कि आजकल तो ऐसे भी 1 डे 2 डे डिलीवरी आ गया है, मगर उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है आपको, मगर सामान आते आते कम से कम 3-4 दिन लग जाता है। मगर अगर आप दुकान से खरीदते हैं तो आपको इन हैंड ये सामान मिल जाता है। और थर्ड चीज ये है कि अगर आप अनट्रस्टेड साइट वगैरह से लेते हैं या कोई नया साइट
वगैरह से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको सामान वगैरह अगर आपको ठीक भी मिल जाता है, रिटर्न पॉलिसी वगैरह उनका ठीक नहीं रहता, या कभी कभार पेमेंट वगैरह में इशू होता है तो कॉल सेंटर में कोई सुनता नहीं है, तो ये छोटा मोटा प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। और उसका और एक एडवांटेज है, जैसे कि अभी आजकल बिजी शेड्यूल में लोग चलते हैं तो आप बिना दुकान जाए आप घर में मोबाइल में या लैपटॉप में बैठ के भी कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं और वो भी ऑन टाइम में आपका घर में पहुंच जाता है, या सामान में अगर कुछ डिफेक्ट आया तो भी उसको आप रिटर्न कर सकते हैं। तो ये आज के बिजी शेड्यूल में ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये ऑनलाइन शॉपिंग गाइड का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल का होम पेज में जाइए, वहाँ पे जाके मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, या मेरा ये वीडियो का एंड में जो लेफ्ट साइड कॉर्नर में जो मेरा चैनल का लोगो आता है वहाँ पे भी क्लिक करके आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस तरह आपके लिए नया नया वीडियो लाते रहूंगा, तब तक मेरा चैनल देखते रहिए। साहू टेक्नो गाइड, आपका दिन शुभ हो।